Today our topic is basically this sputtering, and this is another type of physical vapor deposition. In the last lecture we discussed about the vacuum evaporation, and we saw that what are its disadvantages and why it is not used currently in the microelectronic fabrication industry. Today we are going to discuss about the sputtering. The sputtering is different. Here we employ plasma to basically create ions, and then those ions are used for bombarding the target, and as a result getting the atoms of the target dislodged, and then using those atoms of the target to be get deposited on our substrate. ये थोड़ा सा different process है. यहाँ पे instead कि आप target जो है targets पे bombarding करके उससे atoms dislodge कराते हैं, and then those atoms are used for creating a thin film over our substrate. Okay, so obviously इसके advantages हैं वो यहाँ पे हैं कि it is able to deposit variety of metals, insulators and composites. That is not possible with the vacuum evaporation. ये इसका थोड़ा सा फ़ायदा है. Replication of target composition in the deposited films. Replication of target composition. जो target की composition है वही जो है आप deposit कर सकते हैं. This is also not possible with the वैक्यूम एवेपरेशन. केपेबल ऑफ इंस्टीट्यू क्लीनिंग, ये भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी कि जो आप इंस्टीट्यू क्लीनिंग नहीं कर सकते थे आप, ये भी है विद इन द प्रोसेस आप क्लीनिंग भी कर सकते हैं, और ऑब्वियसली एज ए रिजल्ट लेस कंटेमिनेशन इज गोइंग टू हैपन. बेटर फिल्म एंड स्टेप कवरेज, ऑब्वियसली ये एक और आपको इसमें एडवांटेज है कि आपकी जो फिल्म की क्वालिटी है और कवरेज है वो बहुत बेहतर हो जाती है, जो कि आपके पास उसमें पॉसिबल नहीं है. सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि क्योंकि आप सबस्ट्रेट के ऊपर आइंस बम्बार्ड करेंगे तो उसमें से सबस्ट्रेट डैमेज हो सकता है. अब हम देखते हैं, ये बेसिकली स्पटरिंग का जो प्रोसेस है उसका ओवरव्यू है, एंड इट्स अ वेरी सिंपल सेटअप. वी जस्ट हैव टू पैरेलल प्लेट्स, एनोड एंड अ कैथोड, और यहाँ पे आपने कैथोड के ऊपर टारगेट लगाया हुआ है, एंड दैट टारगेट इज कूल्ड बाय वाटर कूलिंग. आपने इसे कूल भी किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसमें टेम्परेचर काफ़ी जनरेट होता है, तो यू नीड टू कूल इट. कूलिंग का भी प्रोसेस आपने इसमें रखा है. तो आप इसके बीच में, आप इन दो प्लेट्स के बीच में आप इंट्रोड्यूस करते हैं गैस. सो गैस कुड बी बेसिकली एनी गैस कुड बी क्रिएटेड, लेकिन हाउएवर भी आपको पता ही है कि ये फिजिकल प्रोटेक्शन है, सो सर्टन फिजिकल फिनामिना इज नीड टू बी देयर, नो रिएक्शन इज अलाउड. तो आप एक इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करते हैं. नॉर्मली वी यूज आर्गन गैस क्योंकि इसकी बहुत लो रिएक्टिविटी होती है. हम आर्गन गैस इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड व्हेन वी बेसिकली अप्लाई वेरी हाई पोटेंशियल, 5 किलो वोल्ट तक, किलो वोल्ट तक का जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं बिटवीन दीज टू प्लेट्स, ये गैस जो है डिस्चार्ज क्रिएट होता है, एज अ रिजल्ट प्लाज्मा गैस क्रिएट होता है. और इस प्लाज्मा में आपके पास न्यूट्रल एटम्स होते हैं, आर्गन के आइंस होते हैं, एंड वी हैव इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. सो व्हेन दीज आइंस आर क्रिएटेड, तो ऑब्वियसली ये आपके पास कैथोड टारगेट है, हाई वोल्टेज है, तो ये ऑब्वियसली ये दे गेट इफेक्टेड, एंड एज अ रिजल्ट दे ट्रैवल एंड हिट द टारगेट. व्हेन दे गोइंग टू हिट द टारगेट, दे विल ऑब्वियसली ट्रांसमिट देयर एनर्जी टू द टारगेट, और इस एनर्जी की वजह से सर्टेन एटम्स ऑफ द टारगेट गेट डिसलॉज, वो बाहर निकल आएंगे अपनी सरफेस से, एंड दोज एटम्स आर बेसिकली अगेन अट्रैक्टेड बाय द एनोड. वो जो एटम्स आर निकले हैं तो वो एनोड अट्रैक्ट करेगा वो मेटल के एटम्स को, एंड एज अ रिजल्ट दे विल ट्रैवल, एंड ड्यूरिंग द ट्रैवल दे विल हिट विद द अदर आर्गन एटम्स, एंड इवेंचुअली विल लैंड ऑन द सब्सट्रेट सरफेस गेट डिपॉजिटेड देयर. तो आपके पास एक थिन फिल्म बन जाए. सो दिस इज द बेसिकली ओवरऑल स्पटरिंग प्रोसेस. ये आपको मैंने इसी चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है कि जी ये आर्गन गैस होती है, आपने इसका प्लाज्मा क्रिएट किया. अच्छा, प्लाज्मा जो आप क्रिएट करते हैं उसके जो सोर्स लगा रहे हैं, टू काइंड ऑफ सोर्स दैट वुड बी यूज, इधर यू कैन यूज अ डी सी सोर्स और ए आर एफ सोर्स. ओके, फॉर मेटल्स, मेटल्स आर नॉर्मली कंडक्टिंग, वी एम्प्लॉय डी सी सोर्स. Whereas dielectrics are not connected,
डायलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो कंडक्टर नहीं होते, तो आप वहाँ पे आरएफ प्लाज्मा जो है उसको इम्प्लाई कर सकते हैं। आर्गन आइंस जो हैं दे विल बी एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स द टारगेट, तो वो मैंने को बताया टारगेट को टेम करेंगे एंड देन विल हिट एंड गेट स्टिक टू इट। तो ये थोड़ा सा स्पेक्ट्रम सिस्टम की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कुछ थोड़े से पैरामीटर्स हैं जो आपने सेटअप किए हुए होते हैं। सबसे अहम चीज़ जो है वो आर्गन गैस का प्रेशर। सो जो प्रेशर है इट इज़ इट विल बेसिकली गेट रिलेटेड टू दी स्पटरिंग रेट। नाउ स्पटरिंग रेट ये है कि आपके जो कितनी तेज़ी के साथ ये एटम्स जो हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं ओवर दी सब्सट्रेट। ये स्पटरिंग रेट जो है वो इस पे रिले डिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा आपके पास आर्गन आइंस होंगे या एटम्स होंगे तो ऑब्वियसली उतनी ही ज़्यादा हिटिंग होगी और उतनी ही ज़्यादा एटम्स डिसलॉज करेंगे एंड इवेंचुअली दे विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द सब्सट्रेट। सो ऑब्वियसली गैस प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल मेंटेन अराउंड 0.1 टॉर्क एंड रिजल्टिंग टू दिस गैस प्रेशर आपका जो मीन पाथ, जो रिजल्टिंग मीन फ्री पाथ है दैट इज़ बेसिकली जो फ्री पाथ है यानी कि जो कि एटम्स ट्रेवल करते हैं इन रीचिंग फ्रॉम टारगेट टू दी सबस्ट्रेट वो मीन फ्री पाथ के आता है दैट इज़ अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 0.5 mm। सो ड्यूरिंग दिस टाइम देर आर मिनी कोलिजन्स विद दी आर्गन एटम्स या आइंस के साथ और ये इनकी डायरेक्शन वगैरह चेंज, तो ये रैंडमली डायरेक्शन इन ऑल एज ए रिजल्ट ये कोलिजन्स टारगेट करते हैं एंड वी विल रीच टू द वेफर। सो दे विल बी रीचिंग फ्रॉम ऑल द एंगल्स, हर तरफ हर एंगल की तरफ से दे विल रीच टू दी सबस्ट्रेट एंड एज ए रिजल्ट दे इज गोइंग टू बी ए गुड स्टेप कवरेज और स्टेप कवरेज। और ये सबसे बड़ी इसका बेनिफिट है ओवर दी रेपोरेशन सिस्टम, वहाँ पे आपके पास स्टेप कवरेज अच्छी है, यहाँ पे स्टेप कवरेज अच्छी है। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत शेडोइंग होगी लेकिन स्टिल बहुत बेहतर है, कन्फॉर्मेलिटी इज मच बेटर देन दी एवेपोरेशन सिस्टम, वो यहाँ पर होगा। सर्टेन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर दी स्पटरिंग इज स्पटर यील्ड, नंबर ऑफ टारगेट एटम्स रिलीज्ड एंड नंबर ऑफ आइंस हिटिंग दी टारगेट। आप कितने आइंस जो हैं वो टारगेट को हिट कर रहे हैं एंड कितने एटम्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जो यील्ड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है स्पटर यील्ड, बिकॉज ये डायरेक्टली रिलेट कर जाती है जो आपके पास डिपोजिशन रेट आ रहा है। अगर यील्ड ज़्यादा होगी ऑब्वियसली इट विल हैव मीन कि आपके पास बहुत ज़्यादा एटम्स रिलीज होंगे और इतनी तेज़ी से आपके डिपोजिशन रेट भी हो रहा होगा। सर्टेनली जिससे ये जो टारगेट एटम्स जो रिलीज है दे डिपेंड अपॉन आइन एनर्जी एंड देर आर मैनी केसेज विच कैन हैपन ड्यूरिंग दी स्पटरिंग। आपका जो आयन आ रहा है उसकी जो एनर्जी है बड़ा रिलेट करेगी कि इवेंचुअली एक एटम को ये डिसलॉज कर सकता है कि नहीं कर सकता। सो बेसिकली अगर बहुत कम एनर्जी है यानी लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन वो बहुत छोटी सी आपकी एनर्जी है, तो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि ये आयन आए और ये बाउंस बैक हो जाए, इट हिट्स द सरफेस एंड बाउंस बैक एंड डज नथिंग नथिंग एट ऑल, नो एटम इज बेसिकली गेट डिसलॉज फ्रॉम दी स्पटरिंग सिस्टम। और इसमें भी सेकेंड ये है कि आपका आयन आया एंड इट गेट्स एब्जॉर्ब इन दी सरफेस, तो एब्जॉर्ब भी हो सकता है। इफ आयन एनर्जी इज लेस देन 10 to 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स देर इज नो स्पटरिंग। सो ऑब्वियसली इस रेंज में अगर आपके पास आयन की एनर्जी है तो फिर तो कोई स्पटरिंग नहीं होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगा सरफेस के अंदर जाके, इट विल हैव नथिंग टू डू। सेकेंड ये है कि अगर इफ आयन एनर्जी इज ग्रेटर देन 10 kilo इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वी गेट इम्प्लांटेशन। तो अगर आप इतने ज़्यादा अगर उसकी एनर्जी होगी तो वो अंदर चला जाएगा, मैनी लेयर्स अंदर गा के इम्प्लांट हो जाएगा, अंदर ही रह जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो नॉट यूजफुल। हाउएवर इफ एनर्जी ऑफ ईच इनकमिंग एटम इज अराउंड 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट to 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो देर विल बी सीरीज ऑफ कोलिजंस एंड एज ए रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ कोलिजंस यहाँ पे एटॉमिक बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे एंड इवेंचुअली आपका जो टारगेट का एटम है इट गेट डिसलॉज्ड आपके पास। और इसके अलावा ऑब्वियसली यू विल हैव स्पॉटेड एटम्स एंड सम सेकेंडरी आइंस एज़ वेल। तो ये जो आपके पास स्पॉटेड एटम आया है ये तकरीबन 10 to 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, दिस इज मोर एनर्जी देन वी विल हैव गेट इन
एवेपोरेशन सिस्टम, ये एनर्जी जो है ये हमारे पास इसमें ज़्यादा हमें मिलती है। ऑब्वियसली देर इज अ डिफरेंस, यानी आया तो वो 500 और 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे था, और आपको मिल जा रहा तो जब स्पटर हुआ है वो सिर्फ 10 और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। तो मोर देन 90% ऑफ जो एनर्जी है वो टारगेट की हीटिंग और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स में कंज्यूम हो गई। यहाँ मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये वाटर कूलिंग सिस्टम लगाया है, तो ऑब्वियसली ये भी जो इतनी हीटिंग हो रही है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा टारगेट। तो यू नीड टू सम हाउ कंट्रोल दिस टेम्परेचर, और इसको आपको कूल ऑफ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर वाटर कूलिंग मैकेनिज्म भी इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। हाई रेट स्पटर नीड एफिशिएंट कूलिंग टेक्निक्स टू अवॉइड टारगेट डैमेज ड्यू टू ओवरहीटिंग। टारगेट को डैमेज होने से बचाने के लिए आपको इसको ये भी करना पड़ेगा। सो स्पटर यील्ड वर्सेस आयन एनर्जी, सो ऑब्वियसली इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटीरियल्स। यहाँ पे मैंने देखा सिल्वर, कॉपर, प्लम्बस के लिए स्पटर यील्ड दिखाई हुई है। सो यील्ड वुड बी फ्रॉम 1 to इन बिटवीन 3 के आपको यील्ड होती है। ये डिफरेंट मेटल्स के लिए आपके पास यील्ड क्या आएगी, यील्ड में पहले डिस्कस करें व्हाट इज यील्ड। इज बेसिकली रेशियो, रेशियो ऑफ टारगेट एटम्स रिलीज टू नंबर ऑफ आयंस हिटिंग द टारगेट। सो ये बेसिकली यील्ड है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। तो हेयर वी कैन सी के मिसाल के तौर पर अगर मैं सिल्वर के लिए देखूँ, सो एज द एनर्जी इज इंक्रीजिंग यील्ड इज ऑल्सो। सिमिलरली ये काफ़ी हद तक यहाँ ये एल्यूमिनियम के लिए भी ये यील्ड जो है तकरीबन 1 पे आ रही है। इसका मतलब ये कि फॉर ईच एंड एवरी आयन हिटिंग द टारगेट यू गेट 1 एटम। सो इफ इट इज़ लेस देन 1 इट मीन्स दैट कि आपकी जो नंबर ऑफ एटम्स रिलीज हो रहे हैं वो लेस हैं जितने आयंस हिट कर रहे हैं। तो ये देखिए कार्बन और सिलिकन के लिए यील्ड काफ़ी लो है, वेयर एज फॉर अदर मेटल्स। ये स्पटरिंग यील्ड का जो है बेसिकली डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी आयन एनर्जी के साथ। ओके सो फाइनली वी कम टू द लास्ट थिंग, दिस स्पटरिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आपको मैंने देखा कि लार्ज साइज टारगेट्स सिंप्लीफाइंग द डिपोजिशन ऑफ थिन फिल्म्स विद यूनिफॉर्म थिकनेस ओवर लार्ज वेफर्स। लार्ज साइज टारगेट्स को भी इस पर डिपॉजिट कर सकते हैं। Film thickness is easy controlled by fixing the operating parameters and simply adjusting the deposition time. Film thickness को control किया जा सकता है। Control of the alloy composition, step coverage और इसी को सकती है। Sputter cleaning of the substrate, आप sputter cleaning कर सकते हैं substrate की, जो कि evaporation में ये चीज़ भी possible नहीं थी। However, device damage from X-ray generated by electron beam evaporation is इलेक्ट्रॉनिक में एक्सरेज जो जनरेट होती है वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस के हैं, हाई कैपिटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, सो इट्स एक्सपेंसिव प्रोसेस। स्पटरिंग जो है वो एक्सपेंसिव प्रोसेस है देन द एवेपोरेशन, दैट्स व्हाई एवेपोरेशन इज मोर सूटेबल फॉर आर एंड डी सेटअप्स। यू कैन नॉट इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इन द आर एंड डी, तो फिर आप वहाँ पर जो है वेयर एज इन मैनुफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल मैनुफैक्चरिंग में आप अपनी कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, आपको कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं। रेट्स ऑफ डिपोजिशन फॉर सम मटीरियल्स आर लो, कुछ लिए लो सम मटीरियल्स यूज सच एज ऑर्गेनिक्स आर इजीली डिग्रेडेड बायोनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मटीरियल्स के लिए इतना सूटेबल नहीं है, वहाँ पर अगेन वेपरेशन करके आप काम चला सकते हैं। ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू इंट्रोड्यूस इंप्योरिटीज बिकॉज फॉर्मर ऑपरेट्स अंडर ए हाई प्रेशर। सो ये एक डिसएडवांटेजेस हैं कुछ स्पटरिंग के। So that completes our topic of physical vapor deposition. We discussed about the evaporation and the sputtering. हमने दोनों processes को देखा और मैंने जहाँ देखा कि मैंने advantages बताए और disadvantages मैंने दोनों के बताए। हमने देखा कि evaporation के अंदर क्या problems हैं और sputtering problems को किस तरीके से correct करने की कोशिश करता है, और दोनों प्रोसेसेस का कंपैरिजन किया जा सकता है। सो इफ यू आर स्टडिंग दिस टॉपिक यू मस्ट बी हैविंग ए कंपैरिजन इन बिटवीन दिस टू टेक्निक्स। दिस दैट गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आप ये देखें कि कंपैरिजन करें कि व्हाट इज व्हाट हैपेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन एंड स्पटरिंग। ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छा एक प्रैक्टिस होगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।